वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी भाइयों और बहनों, एक विषय सभी के मन के अंदर हमारे चल रहा था काफी समय से, लगभग जब से सार्स, एंथ्रेक्स, कोरोना और इस प्रकार की नाना प्रकार की ऐसी व्याधियां जो कृत्रिम हैं, जो बनाई गई हैं, जो आर्टिफिशियल हैं, वो जब से समाज में मानवता को नष्ट करने के लिए फैलाई जा रही हैं, तब से हम सभी के मन के अंदर ये विचार चल रहा था आश्रम में कि ऐसी बीमारी भी आएगी जो ब्रेन पर डायरेक्ट अटैक करेंगे, जो ब्रेन को नष्ट करने के लिए। और देखिए, वैसा का वैसा ही हुआ है। और एक हवाना करके जो सिंड्रोम है, हवाना करके जो ये सिंड्रोम आया है, ये कृत्रिम उसी का रूप है। अब ये इससे कैसे बचा जा सकता है, तो सबसे पहले तो हम बचाव और उपाय इस पर आ जाते हैं, बाद में हम बातें करेंगे इस पर, हवाना पर कैसे हुआ, क्या हुआ, इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं लोग। सबसे पहले तो अपने सभी के घरों के अंदर आप अणुतेल और पंचगव्य घृत ये ला करके रखें और इसका उपयोग शुरू कर दें अभी से ही। समस्या गंभीर हो, बृहद हो, बड़ी हो, जटिल हो, उसके पहले ही हमें तैयार हो जाना है, क्योंकि होने पर फिर कुछ नहीं होने वाला। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सालय, आयुर्वेदिक औषधालय, वहाँ पर जा कर के, और आप सभी लोग दो चीज़ें लेकर के आ जाएं, अणु तेल लेकर के आ जाएं और आप लेकर के आ जाएं पंचगव्य घृत, जो नस्य में डालते हैं, जो नस्य के लिए प्रयोग किया जाता है, और उसका उपयोग शुरू कर दें। आप सभी अनुलोम विलोम जो प्राणायाम होता है, भ्रामरी प्राणायाम होता है, इसका उपयोग शुरू कर दीजिए तुरंत। सभी पूरी दुनिया के लोगों को करना चाहिए, और आप इसको अन्य भाषाओं में भी इसको इस हमारे इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। देखिए, ये बहुत खतरनाक विषय है, बहुत मानव सभ्यता के लिए नष्ट कर देने वाला विषय है, क्योंकि सीधे अब मस्तिष्क पर वार किया गया है उन पापियों के द्वारा जो लगातार इस धरती से, लगातार इस इतने पावन पवित्र वसुंधरा से मानव सभ्यता को नष्ट करना चाहते हैं। नष्ट करने के नाना प्रकार के वो रच रहे हैं षड्यंत्र, तो उन षड्यंत्र से बचने के लिए आयुर्वेद शक्त और सामर्थ्यशाली एक विधा है, एक पूरा विज्ञान है। आयुर्वेद के अलावा और कुछ किसका इसका कोई बच नहीं सकते, तो आयुर्वेद में हम इसका पूरा, और जो अगर इस बीमारी से बहुत अधिक गंभीर हो जाते हैं, चपेट में आ जाते हैं, तुरंत जाएं और पंचकर्मा का वो उपयोग करें और फिर देखें एक चमत्कार। और मैं सभी से कहना चाहता हूं पूरी दुनिया में कि अब वो समय आ चुका है जब भारत की उन विधाओं को, पारंपरिक विधाओं को, प्राचीन विधाओं को, वैदिक विधाओं को, भारत की उन आध्यात्मिक विरासत के द्वारा प्राप्त की हुई चिकित्सा पद्धतियों को अब पूरी दुनिया में एक अलग ही शिखर मिलेगा, स्थान प्राप्त होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हवाना सिंड्रोम है, क्या सीधे ब्रेन पर अटैक करने वाला एक ऐसा तरकीब निकाला है उन लोगों ने कि जिसमें आदमी पागल हो जाएगा एक तरीके से, सब याददाश्त सब भूल जाएगा। और इतना खतरनाक है, इतना भयानक है ये। मैं यहाँ पर कुछ खुफिया बातें हैं जो यहाँ नहीं बताई जा सकती है, लेकिन इतना है कि आप सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे, तो डरने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पास महाकाल हैं। और तो ठोक दो ताल अपने साथ है बाबा महाकाल, और बिल्कुल बिना घबराए, बिना डरे आप इस खतरनाक, जटिल होने वाली समस्या को पहले ही नष्ट कर दीजिए। ये सुरसा अगर मुंह फाड़ना चाहती है अपना, ये बीमारी सुरसा की तरीके से मुंह फाड़ना चाहती है, तो हम भी वीर बजरंगी के ही मानने वाले हैं। हम इससे दुगने विस्तार से अपनी विधाओं का, विज्ञान का, चिकित्सा पद्धति का प्रयोग कर विजयी होंगे। इस हवाना सिंड्रोम को नष्ट करना दुनिया से बहुत अधिक आवश्यक है। और अब दरिंदों को क्या कहना, कोरोना लेकर आए, सार्स लाए, एंथ्रेक्स लाए, नाना प्रकार कोरोना लेकर के आ गए, नाना प्रकार की ऐसी खतरनाक चीज़ें लेकर के आ गए। ऐसा ही कहा जाता है कि एड्स भी जो दुनिया में फैला, तो वो कोई नेचुरल रूप से नहीं फैला था, उसको भी फैलाया गया था, कई लोगों को सुइयाँ चुबाई गई थी, कई लोगों को अलग अलग प्रकार से ब्लड चढ़ाए गए थे। अभी भी जो कई सारी ऐसी षड्यंत्रकारी संगठना है, वो लगातार इन माध्यमों से सुइयाँ चुबाने, ब्लड चढ़ाने, इन माध्यमों से पूरे समाज में ऐसी गंदी
और डरावनी बीमारियों को पहुंचा रही हैं। लेकिन हम सभी को सावधान होना चाहिए और आप सभी लोग भारत की उस प्राचीन महान विधा का, परंपरा का अनुसरण करके बच सकते हैं। तो हवाना सिंड्रोम एक भयानक है और इसके बारे में पूरी विस्तृत में जानकारियां आपको शीघ्र ही हम देने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जितने भी हो सकते हैं इस वीडियो को लोगों तक पहुंचा दें। और मैंने कहा ना, नज़दीकी आयुर्वेदिक औषधालय चिकित्सालय में जा कर के पंचगव्य घृत लेकर के आएँ और नस जो होती है अणु तेल की वो करना शुरू कर दीजिए। अणु तेल लेकर के आ जाइए और देखिए चमत्कार, और इसका बहुत आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। अनुलोम विलोम करिए, भ्रामरी करिए, ये आपको एक अलग ही दिशा प्रदान कर देगा जीवन में भी, आपके आध्यात्मिक जीवन में भी और आपके सामाजिक जीवन में भी। बस इतना ही कह करके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंदू राष्ट्र। वंदे मातरम।